बीते बुधवार को प्रतापगढ़ के लालगंज में तैनात रहे उप जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह ने नायाब नाजिर सुनील कुमार शर्मा की डंडे से पिटाई की थी, जिसकी इलाज के दौरान शनिवार की रात जिला अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद राज्य कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद आरोपी SDM ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह सहित 4 लोगों के खिलाफ धारा 302 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके बाद कर्मचारी नेताओं ने आरोपित SDM की गिरफ्तारी के साथ ही मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजे के साथ बेटे को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। लेकिन इसके बाद भी मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। प्रदेश भर में कर्मचारी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही आज मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट मुशायरा ग्राउंड पर सैकड़ों की तादाद में कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर जल्द से जल्द आरोपी SDM की गिरफ्तारी की मांग की है। आप सभी मीडिया के सजग कर्मी हैं। आप जानते हैं कि जिला प्रतापगढ़ में लालगंज तहसील में एक हिटलर SDM के द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों से परे जाकर वहां कार्यरत एक नायब नाजिर जो कि 58 वर्षीय है, बीमार है, किसी नाराजगी के कारण जो कि अभी तक ज्ञात नहीं हो पाई है, उसको बुलाता है, 3 होमगार्डों से उसको पकड़वाता है और होमगार्ड के डंडे से उसकी पिटाई करता है, 25-30 डंडे उसको मारता है। अगले दिन मीडिया कर्मियों में, ये रात की घटना है, 8:30 की घटना है, अगले दिन उसकी तबीयत ख़राब होती है, किंतु वह तहसील में आता है और वहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों को शर्ट उतार कर अपनी पीठ और टांग दिखाता है। टांग उसकी फ्रैक्चर हो गई थी, पीठ पर कम से कम 15-17 डंडों के निशान थे, जो बिल्कुल खून उसका जम चुका था, और उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये भी बताता है कि मैं SDM से कहता रहा कि सर मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, पर तू वह SDM नहीं पसीजा। आप जानते हैं कि अगर यदि कोई कर्मचारी गलती कर रहा है तो केवल SDM का काम इतना है कि अपने संवैधानिक दायरों के अधीन रहकर वह उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को कर सकता था, उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई कर सकता था, मारने का अधिकार उसे नहीं दिया था। परंतु पिटाई के कारण वह जिला अस्पताल में भर्ती हुआ और न केवल भर्ती हुआ परंतु उसकी मृत्यु भी हो गई। शासन के द्वारा 2 दिन तक, जबकि वो पिटाई के कारण जिला अस्पताल में भर्ती था, संबंधित के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, और जब प्रांतीय संघ इसमें आड़े आया और प्रांतीय संघ जिला प्रतापगढ़ पहुंचा, तो जिलाधिकारी और SP के द्वारा उस SDM के विरुद्ध FIR लॉन्च की गई, और FIR लॉन्च होने को भी 48 घंटे होने जा रहे हैं और बताया जा रहा है वो SDM फरार है। ऐसा कैसा SDM हो गया, ऐसा कौन सा वो अपराधी हो गया कि वो अपने यहाँ से फरार है? अगर SDM फरार होने लग गए तो फिर तनख्वाह उनका काहे की ले रहे हैं वो? पुलिस उसको 48 घंटे के अंदर भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है, और प्रांतीय संघ का ये आह्वान है कि आज उसकी गिरफ्तारी के विरोध के गिरफ्तारी उसकी हो, इसके लिए हम एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं, और ये आगे भी बढ़ सकता है अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। आज हम एक सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, 2:30 बजे करीब हम सब मिलकर एक शोक सभा करेंगे, और शोक सभा के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित करेंगे, और उसमें स्पष्ट रूप से हमने मांग की है कि उस अधिकारी को गिरफ्तार किया जाए और संवैधानिक दायरों के अंतर्गत उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, और फिर जो भी न्यायालय अपनी कार्रवाई करेगा वो हम सबको